नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 15वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2021 का 15वां और सबसे रोमांचक मुकाबला ओएम मॉर्गन की कोलकाता नाइट राइडर्स और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता के कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद मैदान में रनों की बारिश करने चेन्नई की तरफ से फाफ डुप्लेसिस और खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे। गए कुछ मुकाबलों से खराब शुरुआत के चलते चेन्नई की टीम को कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इसके चलते इस महत्वपूर्ण मुकाबले में धोनी को इन दोनों से एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी और धोनी की इस उम्मीद को इन दो नौजवान खिलाड़ियों ने बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया और शुरुआत से ही कोलकाता की गेंदबाजों की बुरी तरह धुलाई करी। इन दोनों ने लगभग पारी के 12वें ओवर तक चेन्नई का एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और इसी बीच इन दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। दोस्तों इन दोनों ने चेन्नई की टीम के लिए साल सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बनाई, लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को वरुण चक्रवर्ती ने पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंदों में 64 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ की बड़ी विकेट मिलने के बाद कोलकाता की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने कोलकाता की गेंदबाजों की इस आत्मविश्वास को धूल में मिला दिया और सेट बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस के साथ मिलकर उसी रन गति से चेन्नई की पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों ने इसी बीच अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी करी, लेकिन फिर इसी तेजी से रन बनाने के चक्कर में मोइन अली को सुनील नारायण ने दिनेश कार्तिक के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। मोइन अली 12 गेंदों में 25 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि मोइन अली के विकेट की जितनी राह कोलकाता के खिलाड़ी देख रहे थे उससे ज्यादा चेन्नई के फैंस मोइन अली के विकेट गिरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मोइन अली के बाद बल्लेबाजी करने चेन्नई के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और पूरे भारत के सबसे चहेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आने वाले थे। और ऐसा ही हुआ मोइन अली की विकेट गिरने के बाद मैदान में आए महेंद्र सिंह धोनी और आते ही कोलकाता के गेंदबाजों की धुलाई करनी शुरू कर दी। महेंद्र सिंह धोनी और फाफ डुप्लेसिस ने अंत में धमाकेदार बल्लेबाजी करी, लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में महेंद्र सिंह धोनी कोलकाता के कप्तान मॉर्गन के हाथ में कैच थमा बैठे और धोनी 8 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर अंत में फाफ डुप्लेसिस की लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम 200 का आंकड़ा पार कर पाई। फाफ डुप्लेसिस ने इस मुकाबले में 60 गेंदों में नाबाद 95 रन बनाए और इसी की बदौलत चेन्नई की टीम 220 रनों का एक विशाल लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद चेन्नई से मिले 221 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता टीम से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शुभमन गिल और नीतीश राणा की इस जोड़ी से कोलकाता की टीम को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी का होना कोलकाता की टीम के लिए एक अहम बात थी। सभी को लग रहा था कि इस मुंबई की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर कोलकाता की टीम बेहतरीन शुरुआत के साथ चेन्नई की गेंदबाजी की हालत बुरी कर देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर दीपक चाहर ने शुभमन गिल को लुंगी एनगिडी के हाथों कैच आउट कराया। शुभमन गिल बिना खाता खोले ही आउट हो गए और यहां से कोलकाता की टीम का विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। चेन्नई के गेंदबाज दीपक चाहर ने जो इस आईपीएल में लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं उन्होंने कोलकाता के इस मुकाबले में जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद उनके साथी खिलाड़ी नीतीश राणा को दीपक चाहर ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराया। नीतीश राणा 12 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश राणा के बाद कोलकाता के कप्तान मॉर्गन को भी दीपक चाहर ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराया। कप्तान मॉर्गन 7 गेंदों में बस 7 ही रन बना पाए। वहीं तेजी से रन बनाने के चक्कर में ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजे गए सुनील नारायण को भी दीपक चाहर ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराया। सुनील नारायण भी 3 गेंदों में महज 4 रन ही बना पाए और फिर पहले पावर प्ले के आखिरी ओवर में लुंगी एनगिडी ने राहुल त्रिपाठी को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। राहुल त्रिपाठी ने 9 गेंदों में 8 रन बनाए। कोलकाता की टीम 221 रनों जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 31 रनों के भीतर ही अपनी आधी टीम को खो चुकी थी। अब यहां से कोलकाता की टीम को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जीत दिला सकता था और अब सभी को पता चल चुका था कि वह चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आंद्रे रसेल ही कर सकते। और फिर आंद्रे रसेल ने लगभग इस हारे हुए मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों की बुरी तरह धुलाई करी, जिसे देखकर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद हैरान हो गए। आंद्रे रसेल ने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर अविश्वसनीय बल्लेबाजी करी। इस बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। इन दोनों ने पारी के 11वें ओवर तक कोलकाता की टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में धोनी के एक चतुर गेंदबाजी
गेंदबाजी में बदलाव ने कोलकाता की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। पारी का 12वां ओवर डालने आए सैम करन ने आंद्रे रसेल को आते ही क्लीन बोल्ड कर दिया। आंद्रे रसेल 22 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उसके बाद उनके साथी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और उन्हें भी लुंगी एनगिडी ने LBW आउट कर दिया। अभी यहां से कोलकाता की टीम साफ तौर पर हारती हुई दिखाई दे रही थी। यहां से लगभग कोलकाता के सभी दर्शकों ने इस मुकाबले को देखना भी छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, सभी बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद मैदान में एक ऐसा तूफान आया जिसका किसी को अंदेशा नहीं था और उस तूफान का नाम था पैट कमिंस। दोस्तों, पैट कमिंस ने इस मुकाबले में ऐसी हैरतअंगेज बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक समय पर पूरी तरह हार चुकी कोलकाता की टीम को पैट कमिंस ने फिर से इस मुकाबले में वापसी कराई थी। पारी के 16वें ओवर में तो पैट कमिंस ने एक ही ओवर में सैम करन को 30 रन ठोक दिए, जिसके चलते मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच गया। अंतिम ओवरों में कोलकाता की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता थी और चेन्नई की टीम को बस एक विकेट की आवश्यकता थी, लेकिन अंतिम ओवर में पहली गेंद पर गलत रन लेने के चक्कर में चेन्नई की टीम को कोलकाता की टीम का अंतिम विकेट मिल गया और चेन्नई की टीम ये मुकाबला जीत गई। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में आंद्रे रसेल और पैट कमिंस ने अंत तक कभी ना हार मानने का जज्बा हम सभी को दिखाया। तो दोस्तों, आप पैट कमिंस और आंद्रे रसेल की इस लाजवाब बल्लेबाजी में प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।